समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग में बकमारा पुल के समीप 4 अप्रैल को मालवाहक ट्रक लूटकांड में 8 दिन बाद डीएसपी प्रीतीश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिस टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। दोनों अभियुक्त के खुलासे पर जगह जगह छापेमारी की गई, जहां से लूटे गए सामानों की बरामदगी हुई। गिरफ्तार अभियुक्त श्याम बाबू राय पिता उमेश राय ग्राम बेलसंडी थाना चकमेहसी, दूसरा पप्पू राय पिता विनोद राय ग्राम कबरगामा थाना कल्याणपुर, जिसमें चकमेहसी थाना बेलसंडी गांव निवासी श्याम बाबू राव के पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस दोनों अभियुक्त से कड़ी पूछताछ में कई लूटकांड में होने की जानकारी मिली है। इसके गिरोह में शामिल छोटू कुमार, लाल बाबू राय, गौरव ठाकुर सहित अपराधी शामिल है। 3 तारीख की देर रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें एक गाड़ी चली थी पटना से जो मधुबनी जा रही थी, उसको रास्ते में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में करीब रात 3 बजे लूट लिया गया था। ड्राइवर को बंधक बना के दूसरे जगह नौकरी के खेत में डाल दिया गया था। सुबह में थाने को पता चला था करीब 8 बजे, उसके बाद केस दर्ज हुआ था। उस घटना के बाद एक एसआईटी टीम बनाई गई थी, इस पूरे घटना के निवेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। टीम बनाने के पश्चात एक महत्वपूर्ण अपराधी श्याम बाबू राय है, जो कि अंतरजिला अपराधी है, इस पर पहले भी दरभंगा में हथियार के साथ पकड़ा गया था, उसका केस दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। घटना में शामिल अन्य 4 अपराधी थे, सबके बारे में खुलासा किया। इसके बाद इसका मोबाइल के आधार पर जो बरामद हो चुका है, तकनीकी अनुसंधान किया गया, जिसमें जो जो ये घटना में शामिल थे सभी की उपस्थिति घटनास्थल पर पाई गई है। और इस घटना में करीबन 10 लाख रुपये मूल्य की किराना सामान की लूट हुई थी। वो पूरा का पूरा किराना सामान जो करीबन 60 बोरे में पैक है, वो पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। इसमें रिसीवर का भी पता चला है, उस रिसीवर में से एक पप्पू राय की गिरफ्तारी भी की गई है, एक अन्य फिरार है उसमें। तो पूरा 60 बोरा किराना दुकान बरामद कर लिया गया, साथ ही लूट कांड में प्रयुक्त एक हथियार वो भी बरामद है। और शेष जो इसमें बचे हुए अपराधी हैं छोटू, लाल बाबू वगैरह, उनकी पहचान की गई है और उनकी छापेमारी के लिए अभियान चल रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले विस्तृत पूछताछ भी की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि दरभंगा क्षेत्र में और कल्याणपुर क्षेत्र में पहले भी लूट की घटना की है, उन सब बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है, पुनः इसको रिमांड पर लेकर भी इससे पूछताछ की जाएगी और सभी घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। इस मामले में थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी किया। शुरुआती तौर पर लापरवाही सिद्ध हुई थी, उसमें एसपी सर द्वारा कार्रवाई की गई है। वर्तमान में पूरी टीम द्वारा इस घटना का पूर्णतः संबोधन कर दिया गया। स्वदेश वाणी।